Good morning, all of you. Today we will study exercise 14.4, question 5. Question 5, one table is given there. Find the mean salary, mean find karna hai. Find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. Salary in rupees hai, salary in rupees. 3000 से लेके 10,000 तक की एंड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 16, 12, 10, 8, 6, 4 एंड 3, 1 इट इज गिवन और हमें इसका मीन सैलरी यानी कि मीन फाइंड करना। हमने क्वेश्चन 1 में और क्वेश्चन 2 में मीन जब पढ़ा था तो हमने फार्मूला यूज किया था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट उसमें क्या थे कि उसमें लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस थे। अब इस टेबल में आप देखेंगे तो 60 वर्कर्स का मीन सैलरी फाइंड करना, वो 60 कैसे बने हैं, 3000 जीन वर्कर्स की सैलरी है, ऐसे 16 वर्कर्स है तो एक लाइन में 3000 16 बार लिखना, ये इतने टाइम्स लिखते हैं या 60 बार इन पूरों को 60 बार, इसको 16 टाइम्स, इसको 12 टाइम्स, इसको 10 टाइम्स, तो वो तो लिखने में ही टाइम जाएगा। इसलिए ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि जब 3000 के अगर 16 ऑब्जर्वेशंस हो तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं जो हमने 14.2 में पढ़े थे। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दिया कि भाई जिनका 3000 सैलरी है ऐसे 16 है, 4000 वाले 12 है और ये सबका टोटल करें तो यहां पर है आपके 60 वर्कर्स, ये हो गए टोटल 60 वर्कर्स। अब हम क्या करते हैं, मीन निकालते समय सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अगर 3000 16 टाइम्स आए तो उन सबका प्लस कितना होगा, 3000 16 टाइम प्लस कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करें कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल 3000 16 टाइम्स का सम यहां पर मिल जाएगा। अब इस टेबल को बनाते कैसे और इसका फॉर्मूला इस समय हम क्या यूज करेंगे ये सुनिए। ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनको हम बताते हैं एक्स से, एक्स आई, ओके इसको बताते हैं एक्स आई, एक्स आई टाइम्स आइटम्स, और इसको बताते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑल आई टाइम्स जो भी है ओ, और यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि इनका मल्टीप्लाई करके 3000 का 60 टाइम्स का डायरेक्ट यहां पर हमको सम मिलेगा। एक्चुअली हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही कर रहे हैं लेकिन हम फ्रीक्वेंसी टेबल में बना करके सम कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो 16 3 48,000 हो जाएगा, 12 4 48,000 अगेन, 10 5 50, 8 6 48, After that, 6 7 are 42, 4 8 are 32, 3 9 are 27, and 10 1 are 10. अब हमें इनका सम या इन दोनों का सम यानी 4012 टाइम्स का सम हमें आफ्टर हुआ। अब बाकी टोटल 60 जो है ये पूरे 60 का सम फाइंड करना है। सो स्टैटिस्टिक्स में एक सिंबल होता है समीशन, समीशन को कैसे लिखते हैं ऐसे, ये होता है समीशन, इसको समीशन पढ़ते स्टैटिस्टिक्स में, और सम कर रहे हैं हम किसका, फ्रीक्वेंसी का, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना, तो 60, और अब हम इसका सम ऑब्टेन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे समेशन ऑफ
एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू। अब हमको इन सब का सम फाइंड करना है। ओके सो ये तो इतना आ ही गया है। ओके थर्ड दैट इज 305333। सो ये हुआ इन टोटल का सम। और हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी ये जितने टाइम्स था उसका सम ये था, इस तरह से ये सब का सम इतना और इन टोटल का सम इतना। तो ये हुआ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर कितने हैं, 60। यानी कि हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमें मीन मिल जाएगा। तो ये होता है मीन निकालने का तरीका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। सो मीन इज इक्वल टू, मैं यहां फाइंड करता हूं अभी आपको, मीन इज इक्वल टू ये टोटल सम, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू, यह है 305000 डिवाइडेड बाय 60। Let us see whether it is visible or not. Yes, it is clearly visible. So this one cancelled. Now 6 5 are 30. 5 cannot be divided. 0. 6. 8 are 48, carry 2, then 20, 6 3 are 18, 0.2, that is 33. So, this is the mean. So, आपका question था, find the mean of salary. The mean salary is, rupees 5083.33. This is the answer. तो ये होता है frequency distribution table का mean find करने का तरीका। सबसे पहले इसको excelate करते हैं, ठीक है, and इसको frequency f highlight करते हैं। इन दोनों को multiply करके ये हमको individual, एक एक का individual sum find होता है, और इंडिविजुअल सम को टोटल करें तो टोटल का सम मिलता है, फिर ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इससे डिवाइड करें तो मीन ऑब्टेन होता है। ये होता है इसका मीन निकालने का तरीका। ओके नाउ लेट अस सी टाइम, ओके सो यहां पर हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मैं आपको, चैप्टर एंड हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन 6 कुछ नहीं करना है आपको, गिवन एग्जांपल वगैरह कुछ नहीं करना है। इसके क्वेश्चन 1 और 2 में आपको फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड था,
मोड तो वो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशंस, और मीन कैसे करते हैं, एक मैंने अभी बताया जो टेबल से होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से होता है, और क्वेश्चन 1-2 में जो 10-15 ऑब्जर्वेशंस थे सबका सम करके टोटल नंबर से डिवाइड करना। लेकिन मीडियन फाइंड करने के जो तरीके हैं वो दो टाइप से बताया था, आज मैं वापस आपको वो मीडियन के फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा। सो मीडियन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, अब 9 है, 10 है, 11 है, एक तो ऑड होंगे या तो इवन होंगे, ठीक है, लेकिन आपको तो मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब होता है कि जितने ऑब्जर्वेशंस है उसका मीडियन एवरेज कितना आएगा। तो फिर अगर ऑड नंबर आया तो हम उसका बीच में एवरेज कैसे निकालें, और अगर इवन नंबर आया तो कैसे निकालें, इसके फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, आज वापस उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो सो मीडियन कैसे होगा, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज एन इज एन इवन नंबर एंड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इज नंबर इज एन ऑड नंबर। हमारे पास दो सिचुएशंस है, एक है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर। तो इन दोनों के हमें फार्मूला ध्यान में रखना है। तो इसका तो बहुत सिंपल होता है, किसका, ऑड नंबर का। इवन नंबर में कल मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया था, आपको याद होगा, उस फार्मूला को वापस हम आज रिवाइज करेंगे। ओके, सो इवन नंबर में क्या करेंगे, इवन नंबर में है ना, जो क्वेश्चन 1 में था इवन नंबर, सो इसका मीडियन निकालते समय अब थोड़ा सा केयरफुली सुनेंगे, स्पेस थोड़ा कम है। मीडियन इज इक्वल टू ये जो है एन, इसका हाफ, एन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन, प्लस यानी एन बाय टू ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि n by 2 जो भी आएगा वो हमको वापस उन ऑब्जर्वेशन में जाकर के फाइंड करना पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि वो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो शुरू से हम काउंट करते हुए ये जो नंबर आएगा वो फाइंड करेंगे। अब आप क्वेश्चन 1 का एग्जांपल सामने रखिए, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं और वो एग्जांपल सामने रखिए, तो आपको ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। प्लस बात भी क्या करेंगे, ये जो रहता है इसमें, और क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे 6 ऑब्जर्वेशन है और हमको मीन का मतलब मिडल है, तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये 3 और ये 3 और डिवाइडेड बाय 2, इसका हम मीन निकालेंगे, तब हमको यहां पर एक ऑब्जर्वेशन इनके और इनके बीच में कितना आता है ये हमको इससे मिलता है, यानी इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है इनका और इसके बाद में 1-8 करेंगे तो इसका डायरेक्टली मिलता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल समझाया कि मिडल निकालेंगे कैसे। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 1-8 करेंगे, तो 8 करने से क्या होता है कि सामने का नंबर हमको मिल जाता है, एन अपॉन टू प्लस वन
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। और फिर इन दोनों का प्लस जो आता है उसको टू से डिवाइड करेंगे। ये हुआ फॉर्मूला, ये हुआ फॉर्मूला, राइट। लेकिन ध्यान है कि जब हम ये ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं उस समय में गिवन ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में हो, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो मीडियन गलत होगा। लेकिन इसका मीडियन निकालना बहुत आसान है। इसका मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन इज इक्वल टू सिंपली, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑड नंबर है और ये मिडल तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये जैसे है इसमें हम प्लस 1 ऐड कर देते हैं। वो ट्रिक यहां पर कैसे किया? एन प्लस 1, क्योंकि ऑड नंबर को 2 से डिवाइड नहीं जाता, जैसे 3 को 2 से डिवाइड नहीं जाता, तो इसमें क्या करो, प्लस 1 करो, तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2, इसलिए ये 1 ऐड किया जाता है एन में। जो भी आपका एन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें 1 ऐड करें और फिर उसको 2 से डिवाइड करें तो आपको मीडियन मिल जाएगा। ओके, सो ये मैंने कल आपके क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया था, राइट। सो ये फाइंड करने के बाद में इसका ये काउंट करेंगे, इतने जो हमने अरेंज किया था वहां का ऑब्जर्वेशन लिखना है। ये आंसर नहीं हुआ, ये फाइंड करने के बाद में वो जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशन में इतना काउंट करना है, ऑब्जर्वेशन, राइट। अब थोड़ी देर के लिए आपको समझने के लिए वापस मैं इसका क्वेश्चन 1 कंसिडर करता हूं। सो क्वेश्चन 1 था टू थ्री फोर फाइव जीरो वन थ्री थ्री फोर एंड थ्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इवन नंबर था। इसको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, पूरा नहीं लिखूंगा टाइम शॉर्ट है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो ये हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 है 4 टाइम्स, उसके बाद में 4 है 2 टाइम्स और उसके बाद में है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, मीडियन इज इक्वल टू एन बाय 2। अब मैं ये ऑब्जर्वेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा, सब इतनी चीजें लेकर के समझाता हूं। ये फॉर्मूला कंप्लीट लिखे, एन बाय 2 यानी यहां पर एन कितना है, एन इज इक्वल टू 10 और ये क्या है, इज एन इवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एन बाय 2 प्लस एन बाय 2 प्लस 1 राइट अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, यह है 10, 10 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1, ओके, इसको अलग रखें, इसको अलग रखें, डिवाइडेड बाय 2, सो ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 5 प्लस 10 और ये हुआ कितना 10, 5 प्लस 1 6, 6 नहीं करना है, इन नंबर का ऑब्जर्वेशन निकाल के बाद में 2 से डिवाइड करना है। ये जो निकाला ये मीडियन नहीं है, इस नंबर का ऑब्जर्वेशन लाना है। अब आप फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इस असेंडिंग ऑर्डर से फाइंड करें, 1, 2, 3, 4, 5 ये फिफ्थ है, सो ये हो जाएगा 3 और 6 नंबर का भी 3 है, ये हुआ 2, दैट इज इक्वल टू
सिक्स अपॉन टू दैट इज इक्वल टू थ्री इज द मीडियन, इज द मीडियन, इट इज द मीडियन. ये होता है मीडियन फाइंड करने का तरीका. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में ये सिंपली वहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, तो मैं अभी वो ऑब्जर्वेशन नहीं लिखूंगा, टाइम शॉर्ट है. तो मान के चलो जो क्वेश्चन टू था वहां पर हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन 15 थे, प्लस वन एड किया तो ये हुआ 16 अपॉन टू दैट इज इक्वल टू एट्थ ऑब्जर्वेशन. यानी यहां पर एट की मीडियन है क्या? नहीं है. हमको जो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन है वहां से एट्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन लेना है, तब मीडियन होगा, वो ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा. राइट, सो कल का एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा. ये फाइंड किया वहां पर जो आपके असेंडिंग ऑर्डर है उसमें एट्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन देखो और आंसर चेक करो तो वो आपका आंसर है. इस तरह से मीडियन फाइंड करते हैं. सो ओके स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगा कि मीडियन का रिवाइज करूं, ये मैंने कर दिया है एंड ये चैप्टर भी हो गया है. इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी तो और कोई हम जब हमको डिफिकल्टी क्लासेस या रिविजन क्लासेस आएंगे तब आप बाकी का रिवाइज कर सकते हैं. सो ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टाइम इज ओवर. सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड. गुड डे, गुड बाय, थैंक यू.